हाय गाइस, एज यू नो दिस इज दिनेश अर्जन जी। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ लोग की मानसिकता है कि हम लोग हिंदी बोल देता हूँ ताकि सब लोग समझ आ जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि हम शाकाहारी हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हम मांसाहारी हैं, ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम सर्वाहारी हैं। तीनों में अंतर क्या है मैं बता देता हूँ। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। देखिए, तीन स्टेज होती है। हाँ भैया, कुछ इस दुनिया में तीन टाइप के लोग पाए जाते हैं। पहला हो गया शाकाहारी, जो सिर्फ शाकाहार खाना खाते हैं, शुद्ध साफ सुथरा खाना खाना पसंद करते हैं, शाकाहारी कड़ी नहीं खाते, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो साफ सुथरा खाना भी खा लेते हैं और मांस भी खाते हैं, ठीक है। वो मांसाहारी में मोस्ट ऑफ द आते हैं, अगर देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से 70%, 30% की बात करते हैं, ठीक है। सर्वाहारी, सर्वाहारी एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें मांस भी बराबर खाते हैं और नॉर्मल खाना भी या नॉर्मल फूड भी बराबर लेते हैं, वो सर्वाहारी में आ जाते हैं। बेटा, सर्वाहारी जो होता है वो मैं 30% में आप लिख दिया हूँ। चलिए, एक्चुअली में एक काम करते हैं कि हम दोनों में डिस्कस कर देते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको समझ में आया होगा फास्ट वाला। ऐसे लोग जो साफ सुथरा खाना खाना पसंद करते हैं वो शाकाहारी कैटेगरी में आते हैं, ये यहाँ तक तो कन्फर्म है। आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे हो गई होगी और ये कन्फ्यूजन मैं जानबूझ के पैदा कर दूँ ताकि आपको मैं इसको डिटेल से समझा सकूँ। तो चलिए, इनको डिटेल समझते हैं, वो तो हमें ठीक ही है। देखिए, पहला शाकाहारी, शाकाहारी मतलब ऐसी स्टेज जहाँ पे सिर्फ शुद्ध साफ सुथरा खाना खाना लोग पसंद करते हो, वो शाकाहारी कैटेगरी में चले जाते हैं, फर्स्ट स्टेज में वो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांस ज़्यादातर खाते हैं, ठीक है, समझ बात। देखिए, सर्वाहारी का मतलब होता है कि मांस भी खाते हैं और साफ सुथरा खाना भी खाते हैं जी। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी, सर्वाहारी की प्रॉपर्टी मांसाहारी से मिलती है आजकल के जनरेशन में, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए। इसलिए मांसाहारी और सर्वाहारी में कोई बड़ा बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों कंबाइन करते हैं, मेल करते हैं, किसके अपेक्षा, शाकाहारी की अपेक्षा। शाकाहारी बिल्कुल ही अलग हो गया, ठीक है, शाकाहारी में ये दोनों चीजें नहीं आती। लेकिन सर्वाहारी में मांसाहार भी आ जाते हैं, मांसाहारी में सर्वाहारी भी आ जाते हैं। देखिए, समझ कैसे आते हैं। बड़ा ऐसे जीव जो सिर्फ मांस खाते हैं, ठीक है, हम सिर्फ ह्यूमन की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात, अदर एनिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ एनिमल्स हैं जो सिर्फ मांसाहारी खाने हैं, मांस खाना ही पसंद करते हैं, उनको रोटी दो तो नहीं खाएंगे, दाल चावल दो तो मांसाहारी वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो नहीं खाएंगे, तो वो प्योर मांसाहारी कहलाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे ह्यूमन्स के लिए लेते हैं, तो ह्यूमन्स बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली चीज़ है। ह्यूमन्स की प्रॉब्लम ये है कि रहता सर्वाहारी है और खा दोनों रहता बराबर, जबकि ह्यूमन्स की कैटेगरी में ऐसा होना चाहिए कि रूल है, ये कह रहा है कि मांसाहारी ह्यूमन्स की कैटेगरी में अगर मांसाहारी है तो प्योर मांस ही खाए, थोड़ा थोड़ा शाकाहार का सेवन करता रहे, ठीक, समझ रहे। लेकिन अगर सर्वाहारी है तो सर्वाहारी मतलब होता है कि दोनों को बराबर लेके चले जाए। तो अगर हम मांसाहार भी, यानी कि हफ्ते में अगर 3 दिन हम मांस खाते हैं और 3 दिन हम नॉर्मल खाना खाते हैं तो दोनों की कैटेगरी में सिर्फ यहाँ पे आ जाएंगे, वो कहाँ पे आ जाएंगे, सर्वाहारी पे, समझ रहे। अगर 1 वीक का डाटा निकाला जाए तो 3 डेज वो मांस खाता है, 3 डेज वो क्या खाता है, नॉर्मल खाना खाता है, तो बराबर इक्वल हो गए ना। अगर इक्वल होता है तो वो सर्वाहारी कैटेगरी में आ जाता है। अगर मांसाहारी की कैटेगरी देखी जाए ह्यूमन्स की केस में, तो भैया 2 दिन खाना, 4 दिन वो खाना मांस खाएगा और 2 दिन खाएगा नॉर्मल खाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मांस खाने का प्रयास करेगा, नॉर्मल खाना कम खाएगा, उसको कहते हैं प्योर मांसाहारी, ठीक है। एक्चुअली में नियम ये है, तो देखो ऐसा खाना चाहिए। तो कुल मिला के शाकाहारी में ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ शुद्ध भोजन खाना पसंद करते हैं, मांसाहारी में ऐसी चीज़ें आती हैं जो नॉर्मल खाना की अपेक्षा मांस ज़्यादा खाते हैं, और सर्वाहारी ऐसी चीज़ है जिसमें बराबर दोनों लेते हैं, जब पा गए तो मांस भी खा लिए, जब पा गए तो नॉर्मल खाना भी खा लिए। अब देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि इन सब में से पाप किसको होता है, तो आपको बता दें, कुछ लोग कहेंगे मांस खाने वाले को सबसे ज़्यादा पाप लगेगा, शाकाहारी वाले, शाकाहारी को तो कोई पाप नहीं लगेगा, सर्वाहारी को नॉर्मल पाप लगेगा, समझ बात को। शाकाहारी को कोई पाप नहीं लगेगा, मांसाहारी को बहुत सबसे ज़्यादा पाप लगेगा, और ये जो सर्वाहारी है इसको
नॉर्मल आप लगेगी इसकी पिक्चर, ठीक है, आपका जो थॉट है यही से निकलेगा, ठीक है, लेकिन ये थॉट गलत है, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन शाकाहारी इस दुनिया में मेरे हिसाब से कोई नहीं है, ठीक है, और जितने भी मेरे जैसे इस लड़के हैं, टीचर्स हैं, जो भी बायोलॉजी फील्ड से जुड़े हैं, उनको हकीकत पता है कि मांसाहारी में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। कैसे हम बता देते हैं, देखिए अगर हम खेती करना शुरू कर दिए, ठीक है, खेती, अब खेती करेंगे तो ये प्लांट है, प्लांट आपको पता होना चाहिए, प्लांट जो है वो भी सेल से, सेल है, प्लांट के अंदर भी तो सेल है और ह्यूमन के अंदर भी सेल है। अगर मैं अगर हम लोग किसी जानवर को काट के खाते हैं तो हमको पाप लगेगा, किसी पेड़ को काट के खाते तो पाप नहीं लगेगा, आपको पता होना चाहिए पाप लगेगा दोनों में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेल जो होती है ना, सेल सेल लिविंग होती है, लिविंग लिविंग, ठीक है, और सेल इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीजों में पाई जाती है, एक प्लांट में, एक एनिमल में। तो हम किसी भी खेती को नहीं कर सकते अगर हम शाकाहारी रहना चाहते हैं, ठीक है। तो आप रोटी खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो अनाज भी किस कैटेगरी में आ गए, मांसाहारी में आ गए, क्योंकि वो भी एक समय लिविंग की कैटेगरी में था, समझ बात को। अब आप कहेंगे भैया वो बड़ा हो गया था, सूख गया था, तभी तुम पेड़ पेड़ काट डाले थे, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने पेड़ काट डाला है, ठीक है, समझ बात को, गेहूं का पेड़ आपने काट डाला और उससे गेहूं निकाले, तो किसी और ने काटा, किसी और ने खा लिया, तो पाप किसको लगेगा, दोनों को लगेगा, क्यों काट रहे हो, क्यों खा रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये भी तो लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। कुछ लोग होते हैं देखिए मुर्गा खाते हैं, समझ बात को, जो भैया मुर्गा खाने वाले हैं, तो मान लो एक आदमी गया, उसने कहा मैं बहुत बड़ा शाकाहारी हूँ, बट थोड़ा थोड़ा कभी कभी मांस खा लेता हूँ, बाद मेरे को इच्छा है मुर्गा खाने की, उसने वो गया किसी शॉप में, बोला अंकल मेरे को एक मुर्गा काट देना, वो बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं इसे नहीं देखूंगा कटते, वरना मेरे को पाप लग जाएगा, ठीक है, वो बेचारा कटते नहीं देखेगा, इसलिए उसको पाप लग गया, तो बाहर चला जाता है बेचारा, फिर काटता है, समझ जाता, इसके बाद वो ले जाता है पकड़, इसके बाद अपने कुक्स को देता है, वो खाना बनाना शुरू कर देता है, ठीक है, अब वो तला बना दिया, अब ये खा लिए, सबसे ज्यादा देखिए तीन कंडीशन आ गई, एक ने काटा, एक ने बनाया, एक ने खा लिया, सबसे ज्यादा पाप किसको लगेगा, सबसे ज्यादा पाप आपको पता होना चाहिए कि भैया काट खाने वाले को लगेगा, कैसे लगेगा हम रीजन बता देते हैं, क्योंकि अगर ये ऑर्डर नहीं देता तो बेचारा मुर्गा कटता नहीं, ठीक है, अपने आप से तो काट दे लेगा, ये ऑर्डर नहीं देते काटता नहीं, और फिर खाए किसी ने, इसी ने जिसने ऑर्डर दिया था खाया उसी ने, तो सबसे ज्यादा पाप किसको लगेगा, किसी को लगेगा भाई, पकाने वाले को पाप नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा पकाने वाले को पाप, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि भैया वो संसाधन है, आज वो खत्म हो चुका है मुर्गा, तो वो बेस्ट चला जाएगा, किसी को काम आ जाए, मरने के बाद बॉडी खत्म हो जाती है, उसको जला दो, गाड़ दो या किसी खिला दो, तीन ही काम में तो आती है, तो बेचारा उसको तो कोई पाप वाप नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत पाप, थोड़ा बहुत 10% पाप काटने वाले को लगेगा, क्योंकि उसका सर्वाइवल का सवाल है, उसी को तो काट काट के बेच बेच के उसकी जिंदगी चल रही है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत पाप इसको लगेगा, सबसे ज्यादा पाप खाने वाले को लगेगा। तो देखिए जितना भागने की कोशिश कर रहा था बचने के लिए पाप से, उतना उसमें डूबता चला गया, तो आप जितने ही पाप से भागेंगे और पाप करवाते चले जाएंगे, और सोचते हम इससे दूर रहेंगे, करवा आप ही रहे, कह रहे हम दूर रहेंगे, तो सबसे ज्यादा पाप आपको लगेगा, क्योंकि दिल में आपके कोटे उनके नहीं है, ठीक है, वो तो काटने वाला शिद्दत से काट रहा है, क्योंकि उसका जॉब है और वो करेगा, नहीं करेगा तो उसका रोटी रोजी नहीं चलेगा, ठीक है, पकाने वाले को तो कोई दोषी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो संसाधन खत्म हो जाएगा, बेस्ट चला जाएगा, तो बेचारा किसी की दुकान मांगने के बाद इसलिए बेचारा पका दिया, खाने वाले को दोष लग गया, तो दिस इज द कंडीशन। तो आप ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर देने वाला ही गलत होता है, जो ऑर्डर देता है सबसे ज्यादा वही, उसी का चेहरा वही फेस में आता है, ठीक है, फेस में रहता है। तो कुल मिला के ये कंडीशन है शाकाहारी मांसाहारी और सर्वाहारी, तो ऐसा करते हो चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। आपको बता दें कि सेल जो होता है, जो दूध होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं दूध पीते हैं, ठीक है, जो दूध होता है वो भी सेल से मिलकर बनता है, समझ बात को। अब उन बच्चों को कहोगे दूध ही, जैसे बच्चे पैदा होते हैं, पैदा हो जाए छोटे छोटे होते हैं, उनको दूध मत खिलाओ, उनको सर्वाहारी रखो, सर्वाहारी कुछ मत खिलाओ, सिर्फ पानी भर पिलाओ, क्योंकि अब खाना खिलाएंगे तब भी वो मांस में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं कंडीशन बता दिया कि भैया और दूध पिलाओगे तो वो भी मांसाहारी में आ जाता है, क्योंकि दूध भी तो किसी फीमेल के निप्पल से निकल के आया है, और वो निप्पल के अंदर जो मेमरी ग्लैंड होती है, मेमरी ग्लैंड के अंदर जो जहाँ पे दूध मिल्क फॉर्मेशन होता है, वहां पर आपको पता होना चाहिए कि सेल से मिलके बनता है मिल्क, तो आप दूध नहीं खिला सकते हैं, खाना नहीं खिला सकते, तो बच्चों को सिर्फ पानी पिला पिला के जिंदा रखो, अगर शाकाहारी तो देखा जाए मेरे हिसाब से तो सारे के सारे लोग मांसाहारी हैं इस दुनिया में। और आपको बताना चाहिए कि ये चैप्टर इस पूरा का पूरा चैप्टर आपके 12th में 9th में 10th में दिया गया है, ठीक है, बायोलॉजी में,
या विज्ञान में बताया गया कि हर एक जीव अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे को काटता है, खाता है, पीता है, ठीक है। इसको कहते हैं आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला, मतलब आहार श्रृंखला नाम से, आहार श्रृंखला नाम से फूड साइकिल कहते हैं। तो आहार श्रृंखला के नाम से आपका पूरा चैप्टर चलता है आपकी किताबों में, उसमें जब पढ़ेंगे डिटेल से या पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि हर जीव एक दूसरे को खाकर ही जिंदा रहता है इस दुनिया में। इसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। ये पूरा साइकिल बनता है, मेंढक सांप ने खाया मेंढक को, मेंढक समझ बात को, सांप ने मेंढक को खाया और सांप को खाया चील ने, और चील को खाया किसने, शेर ने, समझ बात को। शेर जब टपक जाता तो उसको खाता कौन है, चींटियां खाती समझ बात को। चींटी को कौन खाता है, छिपकलियां खाती, बाज वाज खा जाते हैं। तो ये पूरा एक हर एक मतलब कि जीव को किसी और जीव जो होता है वो डिपेंडेंट रहता है। तो ये पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। तो सब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये पूरे का पूरे चैप्टर आहार श्रृंखला के ऊपर डिपेंड करता है। सो आशा करता हूँ चीज़ समझ में आएगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय।